갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Assalamu alaikum everybody and welcome back to बहन का YouTube channel. मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, मतलब स्टार्ट करते व्लॉग मुझे शर्म आना शुरू हो गया. आप लोग ये वही वाला व्लॉग है जो आप लोग मांग रहे थे कि आपको ईद का व्लॉग चाहिए. तो मैं कपड़े शपड़े अपने पहन के, मतलब जो भी है, मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था पिछली ईद का, अल्लाह मुझे शर्म आ रही है, तो मैं वो पहन के आ गई हूँ. ठीक, अभी सीन शीन कुछ ये है कि अभी जाके पहले देखो और पार्ट है इस ब्लॉग का, मतलब थोड़ा सा छुटकू मुटकू सा है. मैं अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ पाकिस्तानी डिनर उनको कराने लेके गई थी, तो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट यहीं पर आ जाओ और यहाँ पे आके फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं. अच्छा, पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चांद रात का ब्लॉग. आई नो आप लोग सोच रहे होंगे चांद तो है, रात क्यों नहीं है. सबवे पे आज मुझे काफी रश लग रहा है. हमारा गेट है 4 तुलजा सिम से. और इधर हमेशा इतनी हाइट क्यों होती है? You understand what I said? Yeah, you're so good. You want Pakistani citizenship? Can I? What? आज कोई इवेंट हो रहा है तो फुली बुक था, बट हम आते हैं, हमारा ये बुक करके मतलब ही कर दिया, हमने कुछ ऑर्डर कर दिया. सुबीना साथ है, साथ ईजा, बट ईजा इज नॉट कम्फर्टेबल विद द कैमरा, शी डोंट वांट मी टू कैप्चर हर. तो अभी मतलब हम ऑर्डर करने वाले हैं और अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ पीने शीने का सामान मिल गया, मतलब पीने शीने में पानी मिल गया. ये जामे शीरी है, यहाँ पे सुबीना डाल रही है जामे शीरी जो कि हमारे लिए स्पेशल बना है. गिव मी, आई विल आल्सो ट्राई. तो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ. It tastes good. I think he put some lemon inside. Yeah. Roll hai, pakode hai aur bahut acha sa fruit hai. Guys, jamshi. Is it your first time eating pakora? Yeah. How is it? You can be honest. Yeah. It's okay. Yes. Oh, you have to dip it inside. Mm. It's so good. Yeah. Yeah. इसमें चिकन चिली है और सुबीना ने बटर नान मंगवाया है एंड ईजा वांटेड टू ट्राई स्पिनच आलू पालक. स्टिल वी आर वेटिंग फॉर बिरयानी. और मैं सच्ची बताऊँ, मैं ज़्यादा इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी, यहाँ पे ना आसपास काफ़ी कोई गैदरिंग है इंडियंस, मैं सिर्फ आपको अपना प्यारा चेहरा दिखा रही हूँ. शुक्रिया, शुक्रिया, यस शुक्रिया. ईजा इज बेटर देन यू इन दिस. दिस वन इज बिरयानी गाइस, ये मुझे बहुत पसंद है इनका चिली चिकन. यहाँ पे हमें सैफ्रन वाली टी मिली है. सो गाइज वी आर बैक, हमने खाना शाना खा लिया है और सच्ची में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मतलब इन लोगों के सामने क्या हॉस्पिटैलिटी हुई है, कोड़े एवरीथिंग, मतलब इतना अच्छा था ना ये, मतलब काफ़ी इम्प्रेस हुई है. और आर यू इम्प्रेस? यस. चाय मिली उसमें तो ज़ाफ़रान शाफरन डला हुआ था, मतलब बड़े लोग बड़ी बातें कह रही थी, वाह क्या बात है, हमारा मतलब नाम रोशन कर दिया. इतनी ज़्यादा खुश और इतनी हैरान हो रही थी कि मतलब इतना प्रोटोकॉल क्या मिल रहा है. मैंने कहा जलवा है बहन का, फैशन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया. ये देखो, ये मतलब जो हमारा खाना बचा था ये सुबीना अपने घर लेके जा रही है, इसको पसंद बहुत आया था. 3 days later. See, मैंने पाकिस्तानी ड्रेस पहन के मैं बाहर तो आ गई हूँ और इस व्लॉग का मकसद बिल्कुल ये भी नहीं है कि मुझे इनका रिएक्शन लेना है, क्योंकि मैं रिएक्शन ले नहीं सकती, मेरे साथ कोई बंदा नहीं है जो रिएक्शन ले पाए, तो खुद को भी नहीं देख पा रही. क्योंकि मतलब इस टाइम मैं म्योंगडोंग में हूँ और म्योंगडोंग में मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ, जो कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं फिर भी आ गई हूँ. तो आज का हमारा प्लान क्या है, सबसे पहले मुझे नेल पेंट लेना है क्योंकि मेरे पास नेल पेंट नहीं था, मॉइस्चराइजर नहीं है क्योंकि फिर उसके बगैर मेकअप कैसे होगा, वो भी तो ईद की शॉपिंग है. और फिर उसके बाद नमरा के लिए छुटकू मुटकू सी ईदी लेंगे. पाकिस्तान में तो मेरा ये सीन होता है ना, पैसे दे दो खुद ही खरीदो, जो दिल करता है जैसे दिल कर रहा है. आप लोग ये समझो ये ज्वेलरी शॉप है और ये मैं जाऊंगी इसके अंदर, और चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बस यही समझ लो, और खाने पीने का सामान है, इसको लिबर्टी मार्केट ही समझ लो. मुझे कुछ खाना पीना भी है क्योंकि मैं जस्ट डेट्स अंकल ने मुझे ऐसे देखा है, मैं डेट्स खा के आ गई हूँ. तो नमरा के लिए जल्दी से ज्वेलरी देखते हैं, और जो ज्वेलरी मैं पीछे शॉप छोड़ के आई थी हम उसी शॉप में वापस जा रहे हैं. बहन रोज़ा खोल के दिमाग ख़राब हो गया है, पहले मुझे उसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना सकती हूँ. यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है तो हम ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मैं जल्दी से थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी देखूँगी. आप पहन के नहीं देख सकते हो कि एलर्जी हो सकती है उससे. इसका एक किधर गया, ये बहुत बड़े हैं यार. कुछ के पॉप आर्टिस्ट भी हैं जिनके पिक्चर्स के साथ और ज्वेलरी लगाई हुई है.
देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डोंट वेयर एक्सेसरीज। से ज्वेलरी लेके हम नमरा के लिए पैक कराते हैं और फिर बाई चल के कुछ हो लेंगे छुटकू मुटकू सा और फिर उसकी ईदी बना लेंगे इसी तरह। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कलरफुल से हेयर बैंड भी थे, बल्कि आई थिंक ये हैंडमेड थे। इसमें और इस वाले में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से क्या लेना चाहिए मुझे। ये ले लेती हूँ, ये क्यूट लग रहे हैं ना छोटे छोटे से। ये वाले भी हैं वैसे तो पिंक, मैंने उसके पास देखे हैं इस तरह के पहले, तो ये मैं ले रही हूँ उसके लिए। गाइज ये देखो मुझे यहाँ पे जिमिन और वी भी मिले हैं। वहाँ पे इतना ज्यादा म्यूजिक ऑन था ना कि मैं ज्यादा कुछ बना नहीं पाई, मतलब ज्यादा बोल ही नहीं पाई वहाँ पे, तो मैंने नमरा के लिए ये ले लिया है। और ये बहुत ही क्यूट से हैं इयररिंग्स। माय गॉड इतनी प्यारी खुशबू थी ना जिसने भी लगाई हुई थी। तो अभी गाइज मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप है, नेक्स्ट स्टॉप नमरा के लिए कुछ मजे के स्नैक्स जो उसके फेवरेट होंगे। मुझे चाहिए अपने लिए मॉइस्चराइजर, अपने वाला भी काम करते हैं। यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह के स्टॉल्स हैं और फिर उसके बाद कुछ कैप्स वैप्स हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है इस टाइम पे। और ये एक और आई थिंक ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे, इसके अंदर हमें जाना चाहिए नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी हो आए हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान है, सब कुछ ना से थोड़ी सी देसी वाइब तो आपको आ ही रही होगी, चलो कोरिया की देसी वाइब कर लो। तो अभी मैं एक शॉप ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, उस शॉप से मुझे मॉइस्चराइजर मिल सकता है बट वो शॉप मुझे नहीं पता। भूख भी लग रही है बट मैं कह रही हूँ पहले चीजें पूरी हो जाएं फिर उसके बाद तसल्ली से बैठ के कुछ खाना पीना करते हैं हम। इन दोनों में से कोई एक शॉप है मुझे जाके देखना पड़ेगा। ये तो नहीं लग रही यार, पता नहीं कहाँ गई है वो वाली शॉप यार, इधर ही थी, इधर ही होनी चाहिए। अरे मैं ही घूमती हूँ यहाँ पे और मुझे कुछ भी नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा। म्योंगडोंग है ना, म्योंगडोंग एक्चुअली टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो, और यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा आपको खाने पीने का सामान कैप और हर चीज की मतलब हर तरह की चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बनाए हैं म्योंगडोंग में। मुझे वहाँ पे ना इनिस फ्री नजर आ गया, वो अगर आप लोगों को नजर आ रहा है इनिस फ्री लिखा हुआ, नेल पेंट लेके फिर उसके बाद बाकी का काम भी देखते हैं। और मुझे लगता है मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए इससे पहले मैं इससे डिग्गी पे ही हुआ। जी हमारा इनिस फ्री, यहाँ पे नेल पेंट होने चाहिए, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस मैंने इस पे दो तीन ट्राई किए हैं, एक मैंने ये ट्राई किया है और एक मैंने ये वाली ट्राई की है जो ये वाला कलर। सच्ची बताऊँ मुझे दोनों ही नहीं अच्छे लग रहे अपने हाथों पे। मुझे इनिसफ्री में कोई नेल कलर तो पसंद नहीं आया, मैं स्किन केयर वाली शॉप ढूंढ रही थी ना वो मुझे लास्ट में मिल गई। और यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूजिक ऑन है, तो जब से मैं कोरिया आई हूँ ना मैं यही मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं। खमसा मिता यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको स्किन केयर की हेवन बोल सकते हो गाइस। अब हमने नमरा की ईद के लिए स्नैक्स देखने हैं, जो स्नैक्स नमरा को पसंद है ना वो कोरियन हनी वाले स्नैक्स हैं, मतलब कुछ हनी से कुछ इस तरह से मिलके वो बनते हैं। तो ये वाले वो स्नैक्स हैं, हम जल्दी से ये वाले स्नैक्स भी ले लेते हैं और यहीं पे बिड करवा लेते हैं एक चूसे और। और इसमें हनी होता है और ओट होता है और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कसम से फजूल में अपना कोट उठा के लेके आई हूँ, मुझे तो सर्दी होगी और ये मुझे स्यापा ये पकड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मुझे अपने लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। और मेरे सामने एक कपड़ों का स्टोर है जिसको बोलते हैं टॉप टेन, तो हम चुप करके टॉप टेन में चलते हैं और कुछ देखते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो अपने लिए थोड़ा सा ईद का गिफ्ट खुद को भी देना चाहिए ना। लेट्स गो यहाँ से, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा अपने लिए। अभी क्या रह गया, सॉरी अभी हमारा रह गया खाना पीना और मैं भागी जा रही हूँ मुझे लगता है सारे व्लॉग में। 250 से मैंने कार्ड लेना है नमरा के लिए, मेरे लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं यार। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों लगा मुझे कुछ देसी लोग मिले थे बट हम पास से पास हो गए आगे हैं। नमरा के लिए क्या शेर ढूंढ के रखे हुए हैं कि डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, नमरा बाजी लाखों में एक। यहाँ से हम लेते हैं क्यूट सा कार्ड, बट क्यूट सा कार्ड किधर है, ये वाला क्यूट लगा है। और यहाँ से कोई बैग भी देखना पड़ेगा जिसमें उसको डाल के देनी है। यहाँ से समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं बैग कौन सा लूँ, ये वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे। गाइस ये रहा उसका बैग और ये वाला रहा कार्ड। अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं जगह जहाँ पे बैठ के हम लिख पाए। एक इसका कवर है और एक एनवेलप है जिसमें हमने डालना है। अब इसके अंदर वैसे मैंने ये क्यों लिया मुझे भी नहीं पता मैंने ये क्यों लिया, तो इसके अंदर मैं वो सारे शेर लिखती हूँ जो मैंने वीडियो में देखे थे और फिर मैं वो शेर लिख के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ पे क्यूट सा कपल पियानो पे जा रहा है, नमरा का हमने लिख लिया और मेरी उर्दू की राइटिंग खबरदार किसी ने जज की यार, मुझे लगता है मैंने रोटी तोड़ी भी गलत लिखा है। मैं भी आपको ना एक दो इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ। डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, हमारी नमरा लाखों में एक, नमरा भूल जाएगी इसे, ईद आई है जमाने में, निमरा गिर गई है गुसलखाने में। शर्म करो शर्म, उसे देखा तो गंदम की कटाई हो रही थी, पास आकर देखा तो नमरा की पटाई हो रही थी, तो पढ़ने के बाद नमरा मेरी टांगे तोड़ी थी। डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी, मेरी दोस्त फूलों की रानी, बहुत गुड हो गया जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईद मुबारक।
ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे के अंदर ना ये सारा कुछ मैं डालने लगी हूँ। ये हो गया नम्रा की ईदी रेडी। सब मेरा खाना पीना रह गया है। वैसे यू गाइस आर रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। अगर मैं कसम से आप लोग इंसिस्ट ना करते, आप लोग को व्लॉग ना चाहिए होता, तो शायद मैं इस टाइम घर पे बैठी होती या किसी पीसफुल से कॉर्नर में बैठी होती और कुछ कर रही होती। यहाँ पे ये अंडे वाली ब्रेड नजर आई है, मुझे ये बहुत पसंद है तो हम इसको ले लेते हैं। चीज़ तो हिस्सा है, चीज नो चीज चीज खाना चूसे हो। वाली जो ब्रेड होती है ना गाइज, इस वाली ओवन में बनती है, पर अंडा और चीज डाल के उसको अंदर डाल देते हैं और ये बन जाती है। तो मैंने ये चीज ब्रेड ली है और ये 2000 कोरियन वॉन की है। इको समिता ने अंडे वाली ट्राई की है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग चीज ब्रेड, तो आई डोंट नो ये कैसे होने वाली है। तो मैं दोबारा बच्चा ना आगे होके देख रहा है। लोग ना मेरे कैमरे में देख देख के गुजर रहे हैं। गाइस दिस इज अंडा एंड चीज। कोरिया में कल ईद होगी है, मैं निकल आई थी बट मुझे आइडिया नहीं था कि कल ईद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ईद मुबारक एवरीबॉडी। आई थिंक दिस इज माई फोर्थ ईद इन कोरिया। थी वो ऐसे ही गुजरती है कि मतलब रियलाइज नहीं होता ईद है। तो दिस टाइम थोड़ा सा स्पेशल है। दिस टाइम मतलब जेजू में मेरे पास ऐसा कोई सीन भी नहीं था। आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी सेंटी, मुझे सेंटी नहीं होना। फैमिलीज के साथ अच्छे अच्छे से ईद सेलिब्रेट करो, आपके पास है पेरेंट्स को, अपने सिस्टर्स को, बहन भाइयों को, कजन्स को, जितने भी लोग हैं उनको हग करो और जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से स्पेंड करो। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं। अभी हमारा बन रहा है चांद रात का व्लॉग। चांद तो है, उससे मार लो। आई थिंक भी कोई इंडियन या पाकिस्तानी था और मैंने उसके सामने बोला चुस्से मार लो और उसने मुझे ऐसे करके देखा, ऐसे करके आंखें निकाली हैं। तो गाइस जो ये है ना, ये मंदू है। इसमें हाईली चांस हो सकता है कि इसमें पोर्क हो या कोई मीट हो। और ये वाली जो है ना, ये तपोकी है और ये वाले राइस केक है। फिर लीमू पानी बन रहा है यहाँ पे, आई थिंक पोर्क सा कुछ बन रहा है। और यहाँ पे वही अंडे वाली ब्रेड है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या खा सकती हूँ यहाँ पे। अभी तक आपकी कुछ भी नहीं खा सकती। ये भी कुछ सॉसेजेस हैं और श्रिंप है, मुझे श्रिंप नहीं खानी। अभी कुछ शेल का बना हुआ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना। छापछे, छापछे खा सकते हैं बट पूछना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर मीट है या नहीं। को आने खोगी सोया अब सोया नहीं। तो गाइस हम ये खा सकते हैं, इसके अंदर खोगी नहीं है। तो आई थिंक मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। मैंने अंकल को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी यहाँ पे इसके ऊपर सेसमी छिड़की जा रही है। सेसमी जो होती है तिलों को बोलते हैं। ये वी का फेवरेट फूड है। तो ये रहा हमारे छापचे। सच्ची में आई एम रियली स्टूपिड, मैं कसम से नीरी स्टूपिड आई हूं सच्ची में। उन्होंने मेरे से पूछा भी टेक आउट, मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही होता टेक आउट और वो सेम ही होता है। मैं शॉपर शॉपर में डलवा लिया। खाते हुए की वीडियो नहीं बन रही, मेरा दिल कर रहा है मैं साथ वाले से कहूँ मेरी वीडियो बना रहे हैं। उनसे हेल्प मांगी है कि मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी यार। सारा क्या अपना मुँह दिखाती रहती हूँ, आगे लोग मुझे कहते हैं मुँह दिखाती रहती हूँ हर टाइम। थैंक यू। हाय गाइस, इन्होंने मेरी बनाई है क्यूट सी एंड दे आर फ्रॉम जापान। ओके नाइस टू मीट यू, थैंक यू। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं सीधा हमारा चुटकू मुटकू सा व्लॉग, जितना कि मेरे से हो सका मैंने उतना का बना दिया। और अब मेरी बैटरी मेरे मोबाइल की बिल्कुल ज़्यादा डेड हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर और आप लोगों को मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि ईद का ही होने वाला है। तो अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करो, दुआओं में मुझे याद रखो। और मुझे लग रहा है मैं गलत पासे आ गई हूँ, तो मैं अपना पासा ढूंढती हूँ सही वाला। तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करो अगले व्लॉग का। और अपना रखते हैं अपने बहुत 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 ज़्यादा मतलब ख्याल, ये मैं किस रॉयल पासे आ गई हूँ। और चैनल से पहले सब्सक्राइब कर लेना। बाय, लव यू एंड सारांगे। सारांगे तो ठीक है बट मेरा सारांगे ख़राब हो रहा है, मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं गलत पास से आ गई हूँ। बाय बाय, टाटा।